हम बनाएंगे टमाटर प्याज की चटनी, जिसके लिए हमने 5 टमाटर पीस लिए हैं, 3 प्याज क्रश कर लिया है, 2 प्याज पीस लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून अदरक हरी मिर्च क्रश की हुई, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच राई। गैस ऑन करें, उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालकर गर्म कर लें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें राई डाल देंगे। गैस को बंद कर दें। अब एक बाउल में कटा हुआ प्याज, पीसा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक हरी मिर्च, नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर ले डालकर मिला लेंगे। अब हमने जो छौंकन बनाया था वो इसमें डाल देंगे। इसे मिला लें। धनिया पत्ता डालकर मिला लें। टमाटर की चटनी, टमाटर प्याज की चटनी तैयार है। चटनी तैयार है। इसे हम किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे बाटी के साथ, पराठों के साथ, पकोड़ों के साथ। यह खाने में काफी अच्छी लगती है।